हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे हो गए। सुबह के हो रहे हैं करीब 9:30 और मैं जा रहा हूँ सुबह सुबह अपने खेत पे। तो मम्मी और पापा तो चले गए, तो अपना सुबह का नाश्ता भी कंप्लीट हो गया। और पहाड़ों का मौसम देख लो, कुछ इस तरीके का हो रखा है। बहुत प्यारी वाली धूप लगी हुई है, तो तो हम लोग अपने खेत पे जाएंगे काम करने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने मिर्ची वाले खेत पे, यानी कि मैं जा रहा हूँ, मम्मी और पापा तो पहले चले गए। तो अभी हमको मिर्ची उठानी है और पीछे अपना घर है और पीछे वाली पहाड़ी पे अपना गांव। तो हमारे गांव का नाम है धरसों, जो कि उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और गुरुद्वारा श्री रीटा साहिब के पास में बसा हुआ बेहद ही खूबसूरत गांव है। और अभी अपनी वीडियो की शुरुआत हो रही है अपने घर से। तो फिलहाल मेरे को निकलना है अपने खेतों पर। और यहाँ पर पता है योगी ने अपनी बकरियाँ बांधी हुई हैं, ये देख लो, यहाँ से पूरे आगे तक। और योगी गए हुए हैं स्कूल और मौसम काफ़ी प्यारा हो रखा है। मेरे को जाना है नीचे, जो आपको खेत दिख रहे हैं वहाँ पे, जो सबसे नीचे वाला आपको खेत दिख रहा है वहाँ पे हमको जाना है। जो हमारे रेगुलर व्यूवर हैं उन सभी लोगों को तो पता है हमारे मिर्ची वाला खेत का है, पर जो नए व्यूवर हैं उन लोगों को नहीं पता होगा। तो नीचे मेरे को जाना है, मम्मी और पापा पहले चले गए। और ये है अपने गाँव वाले रास्ते। और पता है कीड़ा देख लो कितनी आवाज़ कर रहा है आपको, सें 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 की आवाज़ आ रही होगी। और ये है बड़े वाले नींबू, ये देख लो इतने बड़े हो गए, कुछ टाइम बाद ये भी पक जाएंगे, फिर इनको हम लोग मंडी भेज देंगे। तो ये पता कौन से वाली नींबू है जिनको यूज़ छठ पूजा में करते हैं, तो जब जिस टाइम पे छठ पूजा होती है उस टाइम पे इनको हम मंडी भेज देते हैं। तो इसको गलगली बोलते हैं, ये देख लो इतने बड़े हो गए, कुछ टाइम में पक जाएंगे। तो इसका यूज़ छठ पूजा में होता है पूजा के लिए। रास्ते में पूरी ओस गिरी हुई है और सामने रहा अपना मिर्ची वाला खेत। तो बता दिखने में इतनी प्यारी लग रही है ओस, ये देख लो, पर पैरों में बहुत ठंडा लग रहा है। तो इतनी सारी मिर्ची पक गई है, जब मैं लास्ट टाइम खेत में आया था तब इतनी ज़्यादा नहीं पकी हुई थी। ये देख लो, यही मिर्ची हमने तोड़नी है। तो इसमें बहुत सारी ओस गिरी हुई है। और यहाँ पे देख लो भाई, इतनी प्यारी सी लग रही है ना ओस गिरी हुई, इस तरीके से आंखों से तो बहुत प्यारी लग रही है, पता नहीं कैमरे पे कितना आ रहा है, पूरी चमक रही है क्योंकि ओस पे धूप पड़ रही है इसीलिए। और पैरों पूरा ठंडा ठंडा लग रहा है। इस पे देख लो बहुत सारी मिर्ची पकी हुई है, बस मेरे को संभल संभल के जाना जिससे कि मिर्ची के पौधे नहीं टूटेंगे। और मम्मी और पापा तो आगे चले गए यहाँ पर मिर्ची तोड़ने। कल हमने वहाँ से लेकर आधे खेत की मिर्ची तोड़ दी है, अब आधे खेत की हम लोग आज तोड़ेंगे। तो नीचे वाले खेत पर ताऊ जी लोग तोड़ेंगे और इस वाले पे चाचा लोग। तो सामने पूरे अपने खेत हैं और अपना घर पता कहाँ है, ओ ऊपर जहाँ पे आपको बड़ा सा पेड़ दिख रहा होगा वहाँ पे अपना घर है। और मम्मी और पापा जी यहाँ पे तोड़ रहे हैं, तो मेरे को बस संभल के चलना हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो सही है। तो यहाँ पे पापा जी तोड़ रहे हैं, यहाँ पे मम्मी तोड़ रही है। मम्मी का फैशन देख लो भाई, क्या ही फैशन है मम्मी का, मम्मी के फैशन के तो क्या ही कहने। तो मम्मी ने इतनी सारी मिर्ची तोड़ ली। मम्मी कब आए तुम खेत में? 9 बजे। अभी कितने बज रहे हैं? अभी कितने बज रहे हैं? अभी तो 9:39 हो गए हैं। फिर हम, मैंने सही तो कहा 9 बजे आए, आधा घंटा हो गया तुम आए हुए। आधा घंटा हो गया, चलो बढ़िया है। कल हमने यहाँ से जो पीछे की मिर्ची है वो सारी तोड़ी थी और आज हम लोग तोड़ेंगे यहाँ से पूरी आगे तक की। आज कम तोड़नी है, कल हम लोगों ने ज़्यादा तोड़ी थी। तो यहाँ पे मम्मी लोगों ने तोड़ दी, अभी मैं भी तोड़ता हूँ। तो कमर दर्द भी हो गया है मिर्ची उठाने से, अब कहीं नौकरी मिलती तो वहाँ चले जाते। अच्छा, कौन सी नौकरी करोगे तुम? वो करूँगी जो बैठ बैठ के काम मिलता है। बैठ बैठ के कौन सी नौकरी होती है बताओ? कौन सी में होती है बताओ फिर, ऐसे हाथ से कौन से, बैठ बैठ के हाथ से कौन सी नौकरी होती है ऐसे? कई बर्तन भी धो लेती तो ना। अच्छा, बर्तन धोने वाली ड्यूटी ढूंढ रहे हो? बर्तन तो घर में ढूंढ धो रहे हो। तो मिर्ची बता किस तरीके से धोती है? तनख्वाह नहीं मिल रही है मम्मी को, अब तनख्वाह दी जाए तो हम गुजारिश करेंगे मोदी जी से कि मम्मी को तनख्वाह दी जाए। तो मिर्ची इस तरीके से तोड़नी है, प्यार प्यार से इस तरीके से तोड़नी है और यहाँ से यहाँ पे रखनी है। अभी मम्मी मेरे लिए मिर्ची तोड़ने वाला बना रही है। तो मम्मी ने जो दुपट्टा बांधा हुआ था उसका मम्मी ने मेरे लिए बताया क्या बना दिया, फेड बना दिया, यानी कि झोला टाइप का बना दिया। तो इसमें मिर्ची तोड़ूंगा। तो ये देख लो मम्मी ने इस तरीके से बनाया हुआ है। अभी इसमें मिर्ची किस तरीके जाएगी वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। कैसा लगा कैंप का? क्या क्या कैसा लगा क्या बताना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। मम्मी देख लो पता नहीं क्या क्या बोलती है, कभी कभी मुझे भी नहीं पता चलता मम्मी क्या बोल रही होती करके। तो ये है मिर्ची इस तरीके से तोड़नी, मम्मी बोल दिया कमेंट करके आपको बताना है। तो इस तरीके से मिर्ची को तोड़ना है, ये देख लो, और इसको तोड़ के पता यहाँ पे डालना है, ये देख लो, जो गिरेगी नहीं मिर्ची। तो बहुत सारी मिर्ची यहाँ पे आ जाएगी, फिर इसको इस टोकरी में पलट देना है। तो इस तरीके से करना है। अभी क्या करना है मेरे को, मिर्ची तोड़नी है। फिर मम्मी ने सर का परिंदा वो भी मम्मी ने हटा दिया, तो मिर्ची तोड़ते हैं और कैमरे को एक जगह रख देते हैं। वैसे मैं ट्राईपॉड लेके नहीं आ रखा हूँ, कोशिश करता हूँ कहीं पे कैमरे को रखने का जिससे कि टाइम लेस से वीडियो शूट हो पाए, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो आराम से अपनी मिर्ची तोड़ते हैं। दिन के हो गए लगभग 12:30 और मम्मी और पापा अभी मिर्ची तोड़ रहे हैं यहाँ से। बस हमारी इतनी सी मिर्ची बची हुई है, हम लोगों ने यहाँ से लेकर आगे तक की सारी मिर्ची तोड़ दी, बस इतनी सी बची हुई है। और मैं अभी जा रहा हूँ घर को,
तो मेरे को ये बैग में मिर्ची लेके जानी है। उसके बाद मेरे को जो अपने बैल हैं उनको जंगल छोड़ने जाना है, और मम्मी और पापा ये मिर्ची तोड़ेंगे, तो मैं भी जाता हूँ घर में। तो हम लोगों ने बताया कितनी मिर्ची तोड़ी है, कितनी यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, और सामने टप रखा है उसमें भी है, बाकी जो मेरा बैग है इसमें भी है। तो अभी लेके जाते हैं घर को। धूप पता बहुत ज़्यादा लगी हुई है, और मिर्ची देख लो यहाँ पर इतनी ज़्यादा मिर्ची हो रखी है, बहुत ज़्यादा। बस संभल के चलना होगा जिससे कि मिर्ची के पौधे टूटे हैं। मैंने यहाँ की मिर्ची तो तोड़ दी है, बस इतनी बची है। इतने जो आपको पौधे दिख रहे होंगे, कम से कम 20-25 पौधे, इनमें से तोड़नी है, बस हो गया। बाकी अभी चलते हैं, सुबह तक यहाँ पे पूरी ओस ही थी, अभी बहुत प्यारी धूप आई है, सारी ओस सूख गई। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने जंगल पे अपने जानवर को छोड़ने के लिए। तो मैंने अपने जानवर यहाँ पे छोड़ दिए, ये देख लो यहाँ से अपने आप चरेंगे, अब यहाँ से सामने वाले जंगल पे चरेंगे। और ये देख लो पूरा जंगल है चीड़ का कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं आया था, और हमारा घर था बहुत आगे, ये पहाड़ी दिख रही है, इससे 2-3 पहाड़ी उधर को है, और जो सामने गाँव दिख रहा है वो है डाबरी। ये डाबरी गाँव के लिए रोड जा रही है, और ये डाबरी वाली नदी सामने। तो अपने जानवर यहाँ पर चल रहे हैं, और मेरे को जाना है वापस अब घर। तो अभी इनको लेने तो आना पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये खुद ही आ जाएंगे, और हम लोग घर के बगल में आते हैं धार में, आप लोगों को पता है, तो ये खुद ही चढ़ के आ जाएंगे। और अभी बता टाइम कितना हो रहा है, अभी दिन के बजे 1:50 हो रहे हैं, तो ये आराम से चलेंगे, शाम के लगभग 5 बजे तक आ जाएंगे। तो अभी चलते हैं, और पता है कीड़ा यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, देख लो पूरा जंगल शांत है। अगर मैं कुछ नहीं बोलता हूँ तो कुछ इस तरीके से आवाज़ आती है जंगल पर, फील करना ज़रा नेचर को आप लोग। तो अभी मैं घर पे आ गया हूँ, और मम्मी ने बताया चाय भी बना दी है, और सामने से इतनी धूप लग रही है मेरी आंखों पे, बहुत तेज़ वाली धूप लग रही है, चाय में तो ठंडा हो रहा है, तो मैं धूप में आ गया था। मम्मी और पापा सामने बैठे हुए हैं, तो मम्मी ने चाय बना दी है, चाय के साथ है बिस्किट, और पीछे से बताया यहाँ से मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही हैं, ये काट भी सकती है मेरे को। और यहाँ पर हम लोगों ने पूरी मिर्ची डाली हुई है जो हम लोग खेत से निकाल के लाए थे, और नीचे वाले छत में मिर्ची है, उसको हम लोग बाद में ऊपर डालेंगे, अभी तो इतनी डाली हुई है। तो इसको अच्छे से तैयार करना है, ये वाली बिना तैयार की हुई है, तो यहाँ पर इसको तोड़ना होता है। पता जो तैयार की हुई है वो यहाँ पर है, ये देख लो इस तरीके से इसको करना होता है। यहाँ पे आपको पीछे वाला हिस्सा कटा हुआ दिखेगा, और इसमें काटना है, तो इसको अच्छे से तैयार करना है, फिर इस तरीके से सूखती है ये, जो ख़राब होगी उसको पूरा निकाल देंगे, जो सही होगी मंडी चली जाएगी। तो इस तरीके से मिर्ची को तैयार करना पड़ता है, तो इसमें बहुत लंबी प्रोसेस रहती है। शाम के हो गया करीब 5:30, और अपने जानवर भी जंगल से आ गए, तो यहाँ पर भी चल रहे हैं, और साथ में बताएं यहाँ पर योगी भी आए हुए हैं, और डिग्गू भी, और साथ में हमारा जिमी भी। हेलो जिमी, हेलो, हेलो नहीं कर रहा आजकल, हेलो, जब से पता है कुत्ते ने काटा ना तब से हेलो नहीं करा। यहाँ पे वो छेद हुआ है इसके, यहाँ पे देख लो ये भाई हाथ लगा, अभी भी डर रहा है। हेलो जिमी, हेलो, हाथ दे, बेइज्जती कर दी, देखा ऐसी बेइज्जती कर रहा है बिल्कुल, मैं नहीं बोला देर से हट जा, तो बिल्कुल भी हाथ नहीं आजकल। हेलो, हेलो कर ले, शाबाश जिमी, वेरी गुड जिमी, हमारा शाबाश, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे योगी और डिग्गू बैठे बड़े, योगी क्या कर रहे हो तुम, खेल रहे हो, ठीक हो, और डिग्गू बढ़िया मजे में, बकरी के बच्चे का खेल रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, खून आ रहा है, ये कैसे आ गया, जौक ने काट दिया, ओहो यहाँ से खून आ रहा है बकरी के बच्चे का। योगी स्कूल गया आज, अच्छा पढ़ाई करी, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा बताओ, क्या पढ़ा स्कूल में कुछ याद है, अव्वा कौख गिनती बारखड़ी, क्या पढ़ा, कविता इमला कुछ याद है, क्या हिमला लिखी, हाँ। अच्छा घर को क्या काम मिला है, घर से क्या करना है, घर से हाँ क्या करना है बताओ, छोड़ कुछ भी याद नहीं है, याद है घर जाके देखना, और स्कूल का काम कंप्लीट करना, ठीक है। तो आज के योगी की स्कूल दिन वाली हो गया, यानी कि सुबह 9 बजे की स्कूल जाते हैं, और शाम को कितने बजे आते हो, 3 बजे, हाँ। 3 बजे आते हैं, तो वह दिन वाली स्कूल होगी। तो सामने अपने जानवर चल रहे हैं, और पहाड़ों का मौसम देख लो कुछ इस तरीके का, पूरा आसमान क्लीन हो रखा है, और पूरी शाम होने वाली है, ये देख लो यहाँ से हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं, बाकी तो पूरा आसमान क्लीन है। तो कुछ इस तरीके का मौसम हो रखा है, और पता है यहाँ पे ठंडा ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जानवर का टाइम चल गया इस वजह से भी, और यहाँ पे हवा भी चल रही है, और मैं पता एक ही साइड पे हूँ तो इससे और ज़्यादा ठंडा लग रहा है। जिम्मी तुमको भी हो रहा है ठंडा, तुम्हें ठंडा हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, अरे यार बहुत बढ़िया, इनको तो बिल्कुल ठंडा नहीं है बच्चों को, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को जैकेट डाल के लानी चाहिए करके, अभी सच में ठंडा हो रहा है। तो अभी थोड़ी देर और यहाँ पे रहते हैं, अभी 5:35, तो थोड़ी देर अभी जानवर चलेंगे, उसके बाद इनको लेके जाएंगे। तो सामने से छोटी वाली दादा भी जानवर को लेके आ गए, वहाँ से बैल आ रहे हैं, बाकी यहाँ पे डिग्गू के पूरे बकरियाँ चल रही हैं,
तो अभी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। आजकल आप लोगों के लिए रोज वीडियो नहीं आ पा रही है, अब मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए डेली ब्लॉग आए। आजकल क्या हो जा रहा था कि बहुत गैप हो जा रहा था, और आप लोगों के कमेंट भी आते कि इतना गैप मत करो, आप बीच में कहाँ चले जा रहे हो, तो आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हो जा रहा था, इसलिए मैं आपके लिए ब्लॉग नहीं डाल पाया। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए डेली ब्लॉग आए। तो इस वीडियो को तो यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ अपने दोस्तों के साथ परिवार के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम पारी प्रकाश गोस्वामी पर फॉलो कर लो, वहाँ आप हमसे बातें कर सकते हो। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय देव भूमि, जय उत्तराखंड।